हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे एक अपने एक और नए संडे स्पेशल वीडियो में। चूंकि आज मंडे है, लेकिन ये संडे को आपका वीडियो नहीं आ पाया था किन्हीं कारणों की वजह से। तो फिलहाल ये आपको मंडे को देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर हम आज 13 नोटिफिकेशन कवर करने वाले हैं। और इस सप्ताह के सभी नए नोटिफिकेशन हैं, जिसमें कुछ तो यहाँ पे जिनकी अभी लास्ट डेट नहीं निकली हैं, वो यहाँ पे आपको सभी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली इस वीडियो का बनाने का पर्पस ये होता है कि जो भी आपके नोटिफिकेशन की लास्ट डेट नहीं निकली हैं, और अगर आप यहाँ पे बीच में वर्किंग डेज में आप बिजी रहते हैं और आप PhD करने में इंटरेस्टेड हैं और सभी वीडियो फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो आप एक वीडियो देख लेंगे तो आपको यहाँ पर सारे नोटिफिकेशन की जानकारी मिल जाएगी। तो इस सप्ताह में आपकी 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं और 7 अदर यूनिवर्सिटी जिनको यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। इस नोटिफिकेशन की खास बात की बात करें तो नेट अगर आप क्वालिफाई हैं तब भी आवेदन कर सकते हैं। अपेयरिंग स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल रहते हैं, फेलोशिप भी अवेलेबल रहती है, और नंबर ऑफ वैकेंट सीट एंड सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सभी नोटिफिकेशन को मिला के देखने को मिल जाएंगी, जिनमें आप PhD के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बाकी हम अपने स्पेशल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे आपके इन नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। बाकी यहाँ पे दोस्तों, जो भी नोटिफिकेशन मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, वो लगभग यहाँ पे सभी नोटिफिकेशंस पे वीडियो बन गई हैं और आपको चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। बाकी यहाँ पे जिन पे नहीं बनी है, तो उन पे अगर आप कमेंट करेंगे या फिर यहाँ पे आने वाले समय में आपको उन सभी नोटिफिकेशन से वीडियो देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हम पेज नंबर अपने 62 पे चलेंगे, जहाँ पे दोस्तों आपके नोटिफिकेशंस 37 नंबर की आपकी यूनिवर्सिटी है, जो कि हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के बारे में। तो ये आपके एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। सेशन 23-24 के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म ऑन गोइंग है। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं, और अगर आप आते हैं SC ST OBC के नॉन क्रिमिनल डिफरेंट वेल्ड कैंडिडेट्स हैं, फिर EWS से आते हैं, 50% मार्क्स हैं, यहाँ पे आप एलिजिबल आवेदन कर सकते हैं। अपेयरिंग स्टूडेंट्स भी यहाँ पे एलिजिबल आवेदन कर पाएंगे। तो एलिजिबिलिटी दोस्तों सभी में सेम यही रहेगी, तो एलिजिबिलिटी हम यहाँ पे नहीं बात करेंगे। बाकी यहाँ पे जो आपके किसी में अगर स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी मांगी गई होगी तो उसको डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ पे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स को ₹240 पे करनी है। सब्जेक्ट आपको 27 और सीट यहाँ पे आपको 120 प्लस देखने को मिल जाएंगी, जिनमें आप PhD के लिए आवेदन कर सकते हैं। एग्ज़ाम की डेट 18/9/2023 है, और एग्ज़ाम यहाँ पे शायद आपका यूनिवर्सिटी में कंडक्ट कराया जाएगा, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग बताया, लेकिन हो सकता है आपका एग्जाम सेंटर कहीं और भी देखने को मिल जाए। फेलोशिप के लिए इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पे 25/8/2023 इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा तो आपका फर्स्ट नोटिफिकेशन हो जाता है। अगर हम बात करें अपनी नेक्स्ट नोटिफिकेशन की, तो दोस्तों आपका जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन ऑन गोइंग है, और यहाँ पर डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहेबिलेशन यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी जो आपको लखनऊ उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी, और बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है आपकी। यहाँ पे एलिजिबिलिटी में वही है कि आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स, और कैटेगरी से आएंगे, रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% का रिजर्वेशन मिलेगा। यहाँ पे नो एग्जामेशन फ्रॉम इंटरेस्टेड, तो यहाँ पे किसी भी कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम देने से छूट नहीं मिलेगी, सभी कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। SC ST कैटेगरी को यहाँ पे 750 और अनरिजर्व कैटेगरी EWS OBC को ₹1500 एप्लीकेशन फीस पे करनी है। सब्जेक्ट्स यहाँ पे 18, सीट्स यहाँ पे मेंशन नहीं की गई हैं, और सीट्स यहाँ पे बाद को शायद नोटिफाई की जाएंगी। एग्ज़ाम यहाँ पे आपका 23 सितंबर 2023 को कंडक्ट कराया जाएगा, और यूनिवर्सिटी में ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। इसके साथ यहाँ पे इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 24 अगस्त 2023 इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। नेक्स्ट नोटिफिकेशन की बात करेंगे तो जो कि आपके यहाँ पे एक डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, जो कि यहाँ पे दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ये आपको आगरा में देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म ऑन गोइंग है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें तो वही है कि मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स, रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% का रिलैक्सेशन, और एग्जेम्प्टेड कैटेगरी यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पे अगर आप नेट JRF नेट LS स्लेट MPhil गेट क्वालिफाई हैं तो एग्ज़ाम देने से आपको छूट मिल सकती है। डायरेक्ट इंटरव्यू देकर यहाँ पे आप सिलेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस वीडियो को डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे रेट एंड इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, यानी एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। फीस यहाँ पे दोस्तों नोटिफाई नहीं की गई है, एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन करेंगे तब फीस आपको पता चल जाएगी। सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको 20 देखने को मिलेंगी, और सीट्स भी यहाँ पे नोटिफाई नहीं की गई हैं। 24 सितंबर 2023 को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, और जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी जो इंस्टीट्यूट का कैंपस है, वहीं पर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। 1 सितंबर 2023 इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। ये आपका यहाँ पे इंस्टीट्यूट हो जाता है। इसके अलावा हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट नोटिफिकेशन की। तो दोस्तों जो आपका नेक्स्ट नोटिफिकेशन है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके एप्लीकेशन फॉर्म ऑन गोइंग है। नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी नेहू, ये आपको शिलांग मेघालय में देखने को मिलेगी, और बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें तो 55% मार्क्स होने चाहिए, रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा।
और यहाँ पे प्रेफरेंस मिलने वाली है जो कैंडिडेट्स यहाँ पे नेट JRF स्लेट गेट ये कुछ क्वालिफाई होंगे तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलने वाली है। इंट्रेंस एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। और इसके साथ यहाँ एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 500 सभी कैंडिडेट्स को और SC ST कैंडिडेट्स को 250 रुपये फीस पे करनी है। सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको 32 देखने को मिलेंगी। सीट्स यहाँ पे नोटिफाई नहीं की गई हैं। एग्ज़ाम डेट और यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर बाद को नोटिफाई किए जाएंगे तो आप इसके ऑफिशियल साइट भी प्रॉपर विजिट करते रहिएगा। फाइनेंशियल असिस्टेंसशिप यहाँ पे अवेलेबल है तो जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने वाला है। और 31 अगस्त 2023 इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। बात करेंगे अपनी नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हरियाणा में देखने को मिलेगी और बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर आवेदन कीजिएगा। यहाँ पे एलिजिबिलिटी वही है कि 55% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अपेयरिंग स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं लेकिन यहाँ पे जब आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा तो आपके पास जो मार्कशीट है फाइनल ईयर की वो आपके पास हो जानी चाहिए। इंट्रेंस एग्जाम देने से छूट मिलेगी अगर आप यहाँ पे नेट इंक्लूड JRF SIR नेट इंक्लूड JRF स्लेट गेट ये कुछ क्वालिफाई हैं तो एग्ज़ाम देने से आपको छूट मिल जाएगी। एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होने वाला है। रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पे 1000 सभी कैंडिडेट्स को पे करनी है। और अगर आप आते हैं SC ST PWD या फिर आप वुमेन कैंडिडेट्स हैं तो आपको कोई एप्लीकेशन फीस नहीं पे करनी है। सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पे 32 और सीट्स यहाँ पे आपको 265 देखने को मिलेंगी जिनमें आप PhD के लिए आवेदन कर सकते हैं। 3/9/2023 को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा और एग्ज़ाम यहाँ पे यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही कंडक्ट कराया जाएगा। फेलोशिप अवेलेबल है चूँकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे आपको फेलोशिप कुछ अमाउंट में जरूर मिलेगी और आप इस फेलोशिप के साथ 29/8/2023 तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो ये इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा और इस बेहतरीन यूनिवर्सिटी से PhD आप कर सकते हैं। बात करेंगे अपनी नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तो दोस्तों आपका जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन हुआ है कि यहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं जो आपको सीकर राजस्थान में देखने को मिलेगी। बात करें यूनिवर्सिटी की तो यहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं जो कि एक बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो 55% मार्क्स यहाँ पे आपके पास होने चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट्स पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर। और यहाँ पे अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम देना पड़ेगा यानी यहाँ पे रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा तो सभी कैंडिडेट्स को देना पड़ेगा। सिर्फ आपको यहाँ पे अगर आप नेट JRF स्लेट गेट सेट कुछ क्वालिफाई होंगे तो आपको कुछ मार्क्स का वेटेज मिलने वाला है लेकिन यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको अपेयर होना पड़ेगा। रेट एंड इंटरव्यू यानी एंट्रेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होने वाला है। फीस की बात करें तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस यहाँ पे जनरल OBC MBC EWS कैंडिडेट्स को 2000 रुपये फीस और SC ST और स्पेशल एवल्ड जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे 1500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे 18 और सीट यहाँ पे आपको 370 प्लस देखने को मिलेंगे जिनमें आप PhD के लिए आवेदन कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो 3/9/2023 को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। एग्ज़ाम सेंटर आपके सीकर और झुंझुन में आपके एग्ज़ाम सेंटर देखने को मिलेंगे। और फेलोशिप के लिए आप किसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं, फेलोशिप का लाभ आप ले पाएंगे। 26/8/2023 इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर आवेदन कीजिएगा। ये आपका नोटिफिकेशन हो जाता है। और बात करेंगे अपनी नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन दोस्तों जो आपका कल्याणी यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं और ये आपके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनगोइंग है। स्टेट यूनिवर्सिटी आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगी। यहाँ पे सिर्फ नेट गेट सेट क्वालिफाई कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे अपेयरिंग स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं लेकिन अगर आप यहाँ पे नेट गेट या फिर यहाँ पे सेट क्वालिफाई होंगे तो आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं लेकिन इंटरव्यू के टाइम आपके पास मार्कशीट फाइनल हो जानी चाहिए। इंटरव्यू यहाँ पे आपका सिर्फ कंडक्ट कराया जाएगा जिसके माध्यम से यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। एप्लीकेशन फीस मेंशन नहीं की गई, सब्जेक्ट्स आपको 25 देखने को मिलेंगी और सीट्स यहाँ पे नोटिफाई की गई हैं तो आप सब्जेक्ट वाइज सीट भी चेक कर सकते हैं। एग्ज़ाम आपका होगा नहीं, एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे आपका कोई है नहीं और इंटरव्यू यहाँ पे आपके जो कंसर्न डिपार्टमेंट हैं वहीं पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। फेलोशिप के लिए आप इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं और इसकी जो लास्ट डेट है 25/8/2023 है, उससे पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है कल्याण यूनिवर्सिटी के तरफ से आवेदन पत्र ऑनगोइंग है, एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन पे चलेंगे और बात करें अगर आपके यहाँ पे नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तो ये भी आपके एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जो आपको यहाँ पे छपरा बिहार में देखने को मिलेगी। अगर बात करें यूनिवर्सिटी की तो जयप्रकाश यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पर अगर हम बात करें आपकी एलिजिबिलिटी की तो मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स और अगर आप आते हैं रिजर्व कैटेगरी से तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे एग्जेम्प्टेड कैटेगरी अवेलेबल है तो यहाँ पे अगर आप नेट JRF सेट या स्लेट गेट या स्कॉलरशिप या फिर आप फेलोशिप होल्डर होंगे तो आपको ये जो एग्ज़ाम है वो देने से छूट मिलेगी। यहाँ पे आपका PhD एडमिशन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा और इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा जिसके माध्यम से यहाँ पे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे जनरल BC EBC EWS को 2500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस,
और एस सी एस टी डिफरेंट लेवल कैंडिडेट्स और वुमेन कैंडिडेट्स को यहाँ पे 1500 रुपये अप्लीकेशन फीस पे करनी है। सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे 17 देखने को मिलेंगे जिनमें आप पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। एग्ज़ाम की डेट जो है वो बाद को नोटिफाई की जाएगी, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर जो रहेगा वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी का कैंपस है, वहीं पे छपरा में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। फेलोशिप का लाभ अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। 27/8/2023 इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले अपना अपलीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। ऑनलाइन आपको अपलीकेशन फॉर्म भरना है, साथ यहाँ पर आपको हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी पड़ेगी। जो अपलीकेशन फॉर्म आप भरेंगे उसका आपको प्रिंट आउट ले लेना है और 31/8/2023 तक आपको यहाँ पे अप्लीकेशन फॉर्म यूनिवर्सिटी में सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे हार्ड कॉपी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। आप इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं और अपना अप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे बात करेंगे अपनी नेक्स्ट नोटिफिकेशन की। तो आपका जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो भी एक स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। ये आपको यहाँ पे केरला में देखने को मिलेगी यूनिवर्सिटी। बात करें यूनिवर्सिटी की तो यहाँ पे कन्नूर यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए, कंसर्न सब्जेक्ट्स है। रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। अपेयरिंग स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं, लेकिन यहाँ पे इंटरव्यू के टाइम आपके पास मार्कशीट हो जानी चाहिए। एग्ज़ाम देने से छूट मिलेगी अगर आप यहाँ पे यूजीसी नेट, यूजीसी सीएसआई या नेट गेट सीड अगर क्वालिफाई हैं तो आपको एग्ज़ाम देने से छूट मिलेगी। आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में अपेयर होना है और आप यहाँ पर इंटरव्यू दे के सेलेक्ट हो सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होने वाला है। अप्लीकेशन फीस की बात करें तो 615 रुपये अप्लीकेशन फीस सभी कैंडिडेट्स को पे करनी है। सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे 33 और सीट्स यहाँ पे आपको 285+ देखने को मिलेंगी जिनमें आप यहाँ पे पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। एग्ज़ाम की डेट दोस्तों ये बात को नोटिफाई की जाएगी और एग्ज़ाम सेंटर में भी आपका यहाँ पे कैंपस में ही रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे बात को नोटिफाई किया जाएगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप चेक करेंगे तो फेलोशिप का लाभ आप ले सकते हैं। 1/9/2023 इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले अपना अप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। तो ये आपका नोटिफिकेशन हो जाता है और आप इसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, अपना अप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे। बात करेंगे अपनी नेक्स्ट नोटिफिकेशन की। तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन दोस्तों यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी पीएचडी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो कि ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं, ऑनगोइंग है अप्लीकेशन फॉर्म। और यहाँ पे 4 जो आपकी यूनिवर्सिटी हैं जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में, JNU, BHU, BVU और DU, यहाँ पे ये 4 यूनिवर्सिटी अब एक साथ अपना पीएचडी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराएंगी, जिनके माध्यम से यहाँ पे आप अपना प्रेफरेंस देंगे और उस माध्यम से यहाँ पे आप सिलेक्ट हो सकते हैं। जैसे भी आपकी रैंक आएगी उसके आधार पे यहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस देंगे और वहाँ पे आप अपने पीएचडी में सिलेक्शन ले पाएंगे। एलिजिबिलिटी में 55% मार्क्स होने चाहिए और रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। अपेयरिंग स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, लेकिन यहाँ पे फाइनल ईयर की मार्कशीट आपके पास हो जानी चाहिए जब आप अपना इंटरव्यू देने जाएंगे। एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। और अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल कैटेगरी को 1200, OBC के नॉन क्रिमिनल और जनरल EWS को 1100, SC ST थर्ड जेंडर को 1000 और PWD कैंडिडेट्स को 1000 रुपये अप्लीकेशन फीस पे करनी है। सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे 100 देखने को मिलेंगी और एग्ज़ाम की डेट यहाँ पे बाद को नोटिफाई की जाएगी। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी एग्ज़ाम सेंटर की, तो आपको हर स्टेट में एग्ज़ाम सेंटर देखने को मिलेंगे। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ जब अपना अप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे तो आपको अपने स्टेट में एग्ज़ाम सेंटर देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे फेलोशिप मिल जाती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो फेलोशिप तो आपको मिल जाएगी और यहाँ पे लेकिन आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। 8/9/2023 इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले अपना अप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। इस पर मैंने डिटेल्स में वीडियो बना दिया है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, आप उसे चेक कर सकते हैं और अपना अप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे। तो ये आपके यहाँ पे 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जिनमें आपके ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म ऑनगोइंग हैं। आप NTA की साइट पे विजिट करके अप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इस पे डिटेल्स में अप्लाई भी कैसे करना है उस पर भी मैंने दोस्तों वीडियो बनाया, तो आप वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उन्हें चेक कर सकते हैं, अप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे। तो ये दोस्तों आपके टोटल 13 यूनिवर्सिटी के PhD नोटिफिकेशन अपडेट थे जिन्हें आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप PhD करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड हैं उसकी डिटेल्स चेक कर पाएंगे और अपना अप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में बस इतना ही और आई होप कि आपको ये नोटिफिकेशन की जानकारी पसंद आई होगी। बाकी डिटेल्स में वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा जिस पे वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं। बाकी यहाँ पे जिन पे नहीं बने तो उन पे हम दोस्तों आने वाले समय में वीडियो ले आएंगे। इसके साथ यहाँ पे दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दोस्तों भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे ऐसे एक अन्य नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।